विषय की ओर आते हैं मित्रों, और आपको बताते हैं इस ज्येष्ठ पूर्णिमा पर कौन कौन से महासंयोग बन रहे हैं और आपके लिए कैसे लाभप्रद साबित होंगे। देखिए, इस बार ज्येष्ठ मास की जो पूर्णिमा है उसका जो पूजन है वो 3 जून 2023 दिन शनिवार यानी आज के दिन होगा, और आने वाले 4 जून 2023 को ये पूर्णिमा लगभग 10 बजे तक रहेगी। तो भाई, गंगा आदि में पवित्र जब आप स्नान करेंगे, पवित्र नदियों में जब स्नान करेंगे, तो इसका पूर्ण फल आपको कल भी मिल सकता है। इस पूर्णिमा पर शुभ योग जैसे चंद्र मंगल का नवपंचम योग है, चंद्रमा और नव मंगल का नवपंचम योग कहीं ना कहीं धन की स्थिति को मजबूत करता है। ऊपर से सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है जो कि बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। इस दिन जो हमारी माताएं बहनें हैं, जो सुहागन स्त्रियां हैं, वो अपनी पति की लंबी आयु के लिए, अपने पारिवारिक सुख शांति के लिए और दाम्पत्य जीवन को सुखद बनाने के लिए वट वृक्ष की पूजा अर्चना करती हैं। इस पूजा अर्चना को यदि पूर्णिमा तिथि पर किया जाए तो यह बहुत ज्यादा फलदायी हो जाता है। यह वट सावित्री व्रत जो है अमावस्या के दिन भी किया जाता है, और आज है पूर्णिमा, तो भाई यह वट सावित्री व्रत पूर्णिमा व्रत भी कहलाता है। इस दिन भगवान शिव का आशीर्वाद आपको बहुत आसानी से मिल जाता है। अब आपको बताते हैं कि ज्येष्ठ पूर्णिमा पर कौन कौन से 3 चमत्कारी महाप्रयोग करने हैं जो आपको धन धान्य से परिपूर्ण कर सकते हैं। देखिए, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन सुबह के समय आप अपने घर की पूर्व दिशा में ईस्ट साइड में स्नान करके एक आसन बिछाएं और अपने सामने एक लकड़ी के पटरे पर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर भगवान सत्यनारायण का चित्र स्थापित करें। शुद्ध घी का उनके सामने एक दीपक जलाइए, आटे का प्रसाद बनाइए, केला रखिए और सह परिवार आप सत्यनारायण भगवान की कथा को मंद स्वर में या उच्च स्वर में जरूर करिए। ऐसा करने से आपके परिवार में शांति बनी रहेगी, देवी लक्ष्मी की कृपा होगी। इस दिन चंद्रोदय होने के बाद यानी आज ही के दिन चंद्रमा के उदय होने के बाद चांदी के लोटे में जल, मिश्री और कच्चा दूध मिलाकर आप चंद्रमा को अर्घ दीजिए। ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करिए। ऐसा करने से भी कुंडली से जो चंद्रमा के पीड़ित होने के बाद चंद्र जनित रोग हो जाते हैं, जैसे कफ कोल्ड की समस्या है, मानसिक रोग है, वो हमेशा के लिए शांत होंगे, और देवी लक्ष्मी की कृपा होने से आपकी किस्मत आपका साथ अवश्य देगी। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष की जड़ में आप कच्चा दूध, मिश्री और जल आप अर्पित करिए, और वहीं से मिट्टी का तिलक लेकर आप अपने माथे पर और अपने कंठ पर करिए। ऐसा करने से भी कुंडली के बड़े से बड़े दोष शांत हो जाते हैं, आपका भाग्य आपका साथ देने लगता है।